सो लहर वेलकम. थैंक यू. तो मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा टेम द टेंट्रम, बट कल इट डिड नॉट हेल्प मी एट ऑल. माय किड वाज जस्ट लाइक थ्रोइंग अ मैसिव मैसिव टेंट्रम. मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या क्या बताया था. सो व्हाट शुड यू डू व्हेन योर किड इज इन द मिडस्ट ऑफ अ टेंट्रम? Yeah, tantrums are very common among kids, younger kids, early years. My tantrums are everyday affair. So to understand how to deal with a tantrum, we should know why the tantrum is happening. So actually, tantrum hota hai jab emotional brain jo bacche ka hai, it gets so overwhelmed ki it takes over the thinking brain. And scientifically, a proven fact hai ki jo emotional ancient brain hai, it's connected to hands and legs. So that's why a tantrum is very, very violent. And very physical. Very physical. Hands, legs involved hote hain. So isliye jo emotional brain hai, that has taken over your child's thinking capacity. And that's why your child is throwing a tantrum. Okay. Also, tantrums are usually seen at pivot points. That means, for example, brush karna, khana khana, kapde change karna, khelne se wapas aana. These are points. फ्यू पॉइंट्स इन अ डे जब बच्चे की चलती है. अच्छा. है ना, तो बच्चे को लगता है हाँ इस पॉइंट में मेरे हाँ या ना पे डिपेंड करती है सिचुएशन. ठीक है, बाकी पूरे 24 घंटे वो बेचारा सुन रहा है, सबसे ज्ञान प्राप्त कर रहा है. इस टाइम पे उसको 4-5 मौके मिले हैं दिन में कि वो अपना हीरोइज्म दिखा सकते हैं कि अब आई एम डिसीजन मेकर. तो दिस इज व्हाई अ चाइल्ड थ्रोज अ टैंट्रम. तो व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए जब ये योर किड इज इन द मिडस्ट ऑफ अ टैंट्रम? या The first thing you should do is give them some time. Okay. Let them throw a tantrum. हम सबके bad days होते हैं, हम सबका mood कभी खराब होता है. It's unreal to expect कि बच्चा हमेशा ही happy रहेगा. Permanent happiness is myth, नहीं होती है, है ना? तो it's okay. Give them some time, give them some leverage. उनको acknowledge करिए उनके emotions, क्योंकि वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है. ठीक है, उनको snub मत करो कि यार ये तो बचकानी हरकत है, या stop being a child or stop behaving like a girl. ये सब उनको डिमिनिश, उनको छोटा मत फील कराइए, क्योंकि उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है जो वो फील कर रहे हैं. तो उनको टाइम दीजिए, लेट देम थ्रो द टैंट्रम आउट. उनको छोटा मत फील कराइए, लेकिन अगर आपने एक बार एक चीज़ बोल दी है तो आप भी गिव इन नहीं कीजिए. नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चा घर में जिद करता है या किसी, मुझे टीवी देखना ही है, मैंने देखा है बहुत कोशिश करो आप बच्चे को कि वो बंद कर दे, बच्चा नहीं छोड़ता है. दे डोंट फॉरगेट टिल, मतलब एक घंटे तक भी वो जिद चलती रहती है. घर में नॉइज होता है, आप भी थक जाते हो, उस सिचुएशन में क्या करो? देखो, टैंट्रम जितना अर्ली आप डील करना शुरू करो. सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि जब आपका बच्चा 1 साल 2 साल का बच्चा भी अगर टैंट्रम थ्रो कर रहा है, उसको क्यूटनेस या उसमें ओवरलुक मत करिए. तभी भी आप ग्राउंड रूल्स तभी सेट कर लीजिए. एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप बच्चे को प्रिपेयर करें. जैसे कि अगर एक रात पहले मेरे को लगता है मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के अगर उसको अगले दिन का स्केड्यूल बता दूँ तो थोड़ा हेल्प करता है उसको कि बेटा सुबह आप उठोगे, ब्रश करोगे, नहाओगे, स्कूल जाओगे. छोटी सी बात है बट उसको याद रहेगा. तो पहले से आप उसको प्रिपेयर करो, फिर आप स्कूल से आके खाना खाओगे, क्लासेस जाओगे, खेलने जाओगे, 7 o'clock वापस आओगे, टीवी देखोगे. तो उसको आप बता रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, ये नहीं बोल रहे कि आप ये नहीं कर सकते. उसको यह बता रहे हो कि ये चीज़ें आप कर सकते हो. तो थोड़ा वो प्रिपेयर्ड हो जाता है बच्चा. एंड आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस बच्चा एक्चुअली काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं. दे आर इन लर्निंग मोड. हमसे ज़्यादा उनका दिमाग एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो यू नो फर्स्ट 5 years में जितना सीखते हैं ज़िंदगी भर हम उतना नहीं सीख पाते. तो उस चीज़ का आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ हमारे लिए, उसका फ़ायदा उठा के हम उसको कंडीशन कर सकते हैं कि कल आपके साथ ये होगा और इस पॉइंट पे होगा. आपको हो सकता लगे कि 2 साल के बच्चे को क्या पता 7 बजे क्या होता है, 8 बजे क्या होता है, बट इवेंचुअली उसको आइडिया हो जाता है. बट लहर, आप मुझे एक चीज़ आप मुझे ये समझाओ. आपने मेरे को ये बताया कि आप अक्नॉलेज करो बच्चे का टैंट्रम और आप उसको स्नब मत करो, उसको बिलिटल मत करो. बट आप जब अक्नॉलेज कर रहे हो तो आप उसको क्या बोलो उस समय, या हाउ डू यू गिव दैट बच्चा टाइम उस वक्त? शुड यू जस्ट स्टेप अवे, क्या करो आप उस समय? आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं. एक्नॉलेज करने में एक तो है आप थिंग्स लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, ऐसे फ्रेजेस यूज करना कि आई अंडरस्टैंड यू आर फीलिंग जेलस और आई अंडरस्टैंड यू आर फीलिंग एंग्री तो एक ये स्टार्टिंग कॉन्वर्जेशन के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे को कुछ नहीं सुनाई देता. है ना, वो लाइक आई सेड इमोशनल ब्रेन हैज टेकन ओवर, सोच नहीं रहा. तो आप अपना कर लो. अगर आपको लग रहा है आपको
बहुत गुस्सा आ रहा है, इट्स बेस्ट टू स्टेप अवे इंस्टेड ऑफ येलिंग और गॉड फॉरबिड फिजिकली हिटिंग द चाइल्ड. तो आई ऑल्सो टेल मदर्स कि यू कैन टेल द चाइल्ड कैटेगोरिकली कि आई एम ऑल्सो फीलिंग एंग्री. बच्चे को पता चलेगा कि माँ भी इंसान है, माँ को भी गुस्सा आ रहा है, इट्स ओके. तो आई डू नॉट विश टू हैंडल दिस राइट नाउ, मैं 5 मिनट बाद आऊँगी, देन विल डील विद इट. बच्चा रो रहा है, जो भी कर रहा है, मोस्ट लाइकली बच्चा आपके पीछे पीछे रूम में आके वहाँ फिर टेंट्रम थ्रो करेगा. दो सिचुएशन और है, एक तो आप कुछ न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कुछ जॉइंट फैमिली में रहते हैं. मुझे पता है रूल ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो लाड होता है. कभी रोया तो दादी ने उठा लिया, कभी नानी ने पुचकार लिया, कभी आप बोलते हो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है. तो उस सिचुएशन में आप क्या करो? देखो, जब वो सिचुएशन हो रही है ना मीता, आप फ्रैंकली उस टाइम नहीं कर सकते कुछ. सो इट्स ओके, लेट बच्चे का टैंट्रम, फिर अगर दादी नानी का भी टैंट्रम साथ में हो रहा है तो उसको होने दीजिए. बट यस, आई फील कि आजकल की डेट के जो डिजिटल एज के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिनके कॉन्टैक्ट में वो आ रहे हैं घर में, ऑल ऑफ देम शुड बी इन टैंडम. हाँ, आप लेटर ऑन, उस टाइम हो सकता है आप दादी नानी को बोलेंगे, उनको भी गुस्सा आएगा कि मेरे को क्यों बोला जा रहा है. आप 2-3 दिन बाद उनको बोलें कि ऐसा जो हुआ था, ठीक है एक टैंट्रम हो गया, डजंट मैटर, बट उनको आप अपने व्यू पॉइंट बताइए और क्यों ये बच्चे के भले के लिए है ये भी समझाइए, क्योंकि वो बच्चे का भला ही चाहते हैं. और एक होता है जब आपको मार्केट में इतनी मटेरियलिस्टिक कम्फर्ट हमारे चारों तरफ है, आप ट्रैवल करते हो, आप जाने अनजाने आप रोज चीज़ें खरीदते हो, राइट, आप उस केस में कैसे रखो कि आपका बच्चा ग्राउंडेड हो और पैसे की वैल्यू समझ सके? आई थिंक उसमें अगेन जो मेरे लिए और काफ़ी पेरेंट्स के लिए काम कर रहा है, इज़ अगेन प्रिपेयरिंग व्हेन वी गो इन अ मॉल और इवन इफ वी गो ऑन अ हॉलीडे. पहले से बच्चे को नंबर बताए कि आप इतनी चीज़ें ले सकते हो, यू कैन टेक 2 थिंग्स और 5 थिंग्स जो भी. और टैंट्रम में सबसे ईजी वे और सबसे इफेक्टिव वे मैंने देखा है इज़ अ टेक्निक आई प्रैक्टिस कॉल्ड रिकॉल. आप 1, 2, 3, 4, 5 दिन बाद जब बच्चा भूल गया उस चीज़ के बारे में, भूल जाते हैं, उसके साथ बैठिए, उसके डॉल्स या किसी के साथ रोल प्ले करें या उसके साथ भी बात करें. यू कैन इवन टेल हिम कि अच्छा यू रिमेंबर हम उस मॉल में गए थे तो क्या हुआ था, तो वो बताएगा कि ये हुआ था, मैंने ये राइड किया था, मैंने फिर क्या हुआ था. फिर जब तक वो पॉइंट पर नहीं आता कि टैंट्रम थ्रो किया, तो खुद बताएगा आपको. बच्चे को इतना होता है, 2-3 दिन में अगर आप करेंगे उसको मेमोरी रहेगी, तो कहेगा हाँ मैंने ऐसे किया था. तो फिर देन एट दैट पॉइंट आप उसको हेल्प करिए कि कैसे बिहेव करता है, कि जो आपने फील किया वो गलत नहीं था, बट आपने अपने इमोशंस को दिखाया कैसे, उसको बेटर करने के तरीके क्या हैं. एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को दिखाना है कि इमोशंस तो बहुत अच्छी बात है, कोई गुड और बैड इमोशंस नहीं होते. दुख भी एक इमोशन है जो ब्रेन से आ रहा है, खुशी भी एक इमोशन है. सो इमोशंस आर वेरी गुड, बट उनके डील आप कैसे करते हैं उस पे आपके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस. इट टेक्स मी कि बचपन में जो स्टोरी बुक्स आप बच्चे को पढ़ाते हो और जो कहानियां आप सुनाते हो, वो कहीं ना कहीं ये टीचिंग में जो मैं सुन रही हूँ वो बहुत काम में आता है. अगर आप व्हाट आर दोस टू थिंग्स दैट यू शुड डू? आई थिंक मेरा फेवरेट चीज इज प्रिपेयर एंड रिकॉल. ये दो चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स हैं.